मैंने देखा वो बाहर आके वीडियो। ऑडियंस के थ्रू अगर मेरा इविक्शन होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद भी यही रीज़न दिया जा रहा है कि ये बहुत क्यूट है, वो मेरे लिए काफ़ी हर्टफुल था। काफ़ी अच्छा लग रहा है मैं तो कहूँगी, क्योंकि वहाँ पे आप सिर्फ एक घर में थे और यहाँ पे काफ़ी खुला खुला लग रहा है मुझे तो, अच्छा लग रहा है। वैसे तो सबसे ही अच्छा बॉन्ड था, लेकिन जब जैसा कि आपने कहा मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, थोड़ा रोने भी लगी थी, तो उस टाइम मुझे जो समझ पा रहे थे वो विवियन जी थी। उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की, उन्हें समझ आ रहा था कि मैं किस चीज़ के किस इमोशन के थ्रू जा रही हूँ, ऑल दैट, तो वो काफ़ी सपोर्ट करते। मैंने देखा वो बाहर आके वीडियो। मुझे भी बिल्कुल यही लगता है कि मैं अगर थोड़ा और ओपन अप हो जाती तो मैं बाहर नहीं आती, और मुझे लगता है कि ऑडियंस अगर मुझे मतलब ऑडियंस के थ्रू अगर मेरा इविक्शन होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अभी जो मेरा इविक्शन हुआ है वो घर के अंदर वाले लोगों ने किया है, तो वो बहुत ही शॉकिंग था। क्योंकि जिन लोगों के साथ मैं बैठ के बातें कर रही हूँ और जिन लोगों को मुझ में थोड़ा ग्रोथ दिख रहा है, मैं जितनी चुप थी उससे थोड़ा और मैंने कोशिश की बात करने की, उसके बाद भी यही रीज़न दिया जा रहा है कि ये बहुत क्यूट है और ये नहीं बोल पा रही है, फिर भी इतना ग्रो नहीं कर पा रही है, तो वो सुन सुन के मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक तरफ आप मोटिवेट कर रहे हो और एक तरफ वही कर रहे हो, तो दैट वॉज वेरी हेल्पफुल। वो तो मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था, क्योंकि ही वॉज द वन हु वॉज मोटिवेटिंग मी बहुत ज़्यादा, मेरी हेल्प कर रहे थे काफ़ी, और उसके पहले भी उन्होंने नॉमिनेट किया, फिर गेट आउट का स्टिकर भी उन्होंने दिया। उनका मानना ये था कि मैं ये करूँगा तो तू और ओपन अप होगी, तो वो जब भी करते थे वो सोच के सुन के मैं और शेल में चली जाती थी, तो वो मेरे लिए काफ़ी हर्टफुल था। मैं ये कहूँगी ऑफकोर्स तीनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, दोस्ती है, लेकिन बात जब गेम की आती है तो वो उस बात से भी क्लियर है कि इंडिविजुअली खेलने आए हैं, तो वो अपना गेम अपने हिसाब से खेल रहे हैं, और दोस्ती भी है, तो मुझे लगता है कि शायद वो बहुत क्लियर है कि हम तीनों साथ में रहेंगे, लेकिन जब गेम की बात आएगी तो तीनों अलग अलग भी। तो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कुछ बोलते नहीं, कुछ करते नहीं, मतलब उतना खुल के अभी तक वो नहीं आए हैं, मतलब जब तक मैं घर में थी वो देखते थे बैठे थे, बट अपने ओपिनियंस उतना अच्छे से नहीं देते थे, बट अब मुझे लगता है कि वो अब टाइम आ गया है कि वो थोड़ा और ओपन अप। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि कोई मिसयूज़ कर रहे हैं वो, क्योंकि वो जैसे हैं वैसे ही हैं, और मुझे लगता है कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का है, अगर प्रेजेंट में कोई और इतना कुछ कर ले कि वो टॉप टू में चले जाए तो वो चेंज भी हो सकता है, एंड आई डोंट थिंक सो कि वो टॉप टू का चीज़ इतना सीरियसली लेके वो शांत बैठे हैं, ऐसा नहीं लगता। मैं कहूँगी सब ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, और ईशा का तो बहुत ही ज़्यादा मुझे लगा, क्योंकि फ़ोटो जो है वो हम वापस मिल सकती हैं, हमें हम उसे प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन जो उसकी मॉम की शॉल थी वो तो वॉज वेरी बिग थिंग, बट मुझे लगता है कि दोनों अरफीन सर और अविनाश जी का जो ईगो क्लैश है मैं कह सकती हूँ, शायद उस वजह से वो चीज़ वर्क नहीं कर पाई, क्योंकि पहले शिल्पा मैम आई तो उन्हें सिर्फ एक घी मिला, और जब ईशा की बारी आई तो फिर अरफीन सर ने बोला कि नहीं, इसको सिर्फ एक आटा ही मिलेगा। मुझे लगता है दोनों की ईगो क्लैश के चक्कर में बेचारे वो लोग फिस गए। पहले जो जिस हिसाब से वो जेल के अंदर गए, क्योंकि उन्हें घर से बेघर कर दिया था लोगों ने, और उन पे इल्ज़ाम भी लगाया गया था कि लड़कियां सेफ नहीं हैं, तो वो सब चीज़ें उनके माइंड में थी, तो आई गेस उसी सब चीज़ों का तोल माल भाव वाव करके उन्होंने राशन के ऊपर सब चीज़ें रखी, और जेल का पावर ही राशन है, तो उन्होंने मुझे लगता है कि सही से आई गेस इस्तेमाल किया उस चीज़ का। विवियन जी, करणवीर जी, एंड मुझे लगता है शायद शिल्पा मैम हो सकते। नहीं, मुझे वो जितना इमोशनल होती हैं वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग है, और मुझे लगता है आगे जैसे जैसे गेम बढ़ता जाएगा वो और स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। मैंने अभी तक तो नहीं देखा है तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं पाऊँगी, बट नायरा जो हैं उन्होंने शायद देखा हो तो उस हिसाब से उन्होंने कहा, तो मुझे
कुछ आइडिया नहीं है। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर लविंग मी, जो आपने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, और आगे अब मैं जो भी करूँगी, जो भी प्रोजेक्ट होगा, आई होप आप सभी को पसंद आएगा, और प्लीज़ उसे भी इतना ही प्यार और सपोर्ट दीजिए।